इन एटीएम कार्ड वालों को हो सकती है परेशानी। यदि आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल जिन कस्टमर्स के पास नॉन ईवीएम एटीएम कार्ड है वो 1 फरवरी के बाद से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। ये प्रतिबंध हर तरह के ट्रांजैक्शंस पर लागू होगा। कस्टमर नॉन ईएमवी एटीएम में जाकर ना तो पैसा निकाल सकेंगे और ना ही अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकेंगे। आपको बता दें, पंजाब नेशनल बैंक ने ये कदम अपने ग्राहकों के अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए उठाया है, क्योंकि आरबीआई के निर्देशानुसार देश के सभी बैंक केवल मैक्स ड्राइव वाले डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन पहले ही प्रतिबंधित कर चुके हैं। उनकी जगह ईवीएम चिप वाले कार्ड ने ले ली है, जो पहले से ज्यादा सुरक्षित है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी ब्रांच में जाकर संपर्क करें, जिससे समय रहते आप अपने कार्ड को बदल सकें। नॉन ईएमवी एटीएम क्या है, चलिए जानते हैं कि नॉन ईएमवी एटीएम मशीन क्या होती है, जो डेबिट कार्ड को ट्रांजैक्शन पूरा होने तक होल्ड करके नहीं रखती। इन मशीनों में कार्ड डालकर उनके रीड होने के बाद ट्रांजैक्शन पूरा होने से पहले ही निकाला जा सकता है। ये मशीनें डेबिट कार्ड की मेगा स्ट्राइप से डेटा रीड करती हैं। वहीं ईएमवी एटीएम में डेटा डेबिट कार्ड पर लगी चिप से रीड होता है। ऐसी मशीनों में कार्ड डालने के बाद तब तक वापस नहीं निकाला जा सकता जब तक ट्रांजैक्शन पूरा ना हो जाए। आपके बिजनेस का सच्चा साथी